देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एलपीजी गैस के बड़े दामों के विरोध में सपाइयों ने कलेक्टर तक गैस सिलेंडर की अर्थी निकाल जताया विरोध। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव व जिला अध्यक्ष कलीम खान की अगुवाई में सपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को एलपीजी गैस के बढ़े दामों के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर तक गैस सिलेंडर की अर्थी निकालकर अनोखा प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। इस दौरान सपा नेता नवाब सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जब हमारे कन्नौज की संवाददाता शिबू सैनी ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव से बात की और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में सरकार लगातार बढ़ोतरी कर रही है, इससे जनता में भारी आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में जनता भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंक कर इसका बदला लेगी। ये महंगाई के खिलाफ जिला स्तर का प्रदर्शन है जिसमें माताएं, बहने, नौजवान साथी महंगाई का विरोध कर रहे हैं, सिलेंडरों की अर्थी लेके आए हैं और जनपद के कोने कोने से कार्यकर्ता आए हैं। कोई कंडे बेच रहा है तो कोई लकड़ी बेच रहा है। माताएं बहने चूल्हे पर रोटियां बना रही हैं। कैसा जमाना आ गया, आप विश्वगुरु बनने की बात करते हो, आप 21वीं सदी की बात करते हो, हम कहां पे खड़े हो गए हैं। वैसे ही कोरोना की मार से जनता हिंदुस्तान की परेशान थी, लेकिन महंगाई बढ़ा बढ़ा के कोढ़ में खाज काम करने का मोदी योगी ने काम किया है। नौजवान परेशान, उसके विरोध में हम समाजवादी लोग, अन्याय के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है जनता की, और जब तक इस जिस्म में हम लोगों के जान है तब तक अन्याय के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम नौजवान समाजवादी लोग लड़ाई लड़ते। हम समाजवादी लोग सड़कों पे उतर कर गाँव गाँव गली गली जाके माननीय मोदी की जो काली करतूते हैं, योगी की काली करतूते हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जनता।